is where we leave it. हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिंस, आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर। तो आज जो वर्कआउट हम आपके लिए लेके आए हैं, ये वाला एक बिगनर वर्कआउट है। यू कैन ट्राई दिस वर्कआउट इफ़ यू स्टार्टिंग योर फिटनेस जर्नी, और इफ़ यू हैव टेकन अ लॉन्ग ब्रेक एंड यू स्टार्टिंग अगेन, यू कैन ट्राई दिस वर्कआउट एज वेल। सो दिस वर्कआउट विल हैव फोर डिफरेंट एक्सरसाइजेस, 45 सेकेंड्स ऑफ वर्क, 15 सेकेंड्स ऑफ ब्रेक, फोर राउंड्स इन टोटल। अप्रॉक्सीमेटली द होल वर्कआउट विल बी 20 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। आप ये वाला वर्कआउट जो है 2 से 3 बार हफ्ते में ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये वाला वर्कआउट आपको फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फोर एक्सरसाइजेस, नेम ऑफ द फोर एक्सरसाइजेस एंड द ड्यूरेशन यू वांट टू डू इट। द फर्स्ट एक्सरसाइज यू गोना डू इज वन स्क्वाट एंड वन लंज बैक अल्टरनेट, राइट। सेकेंड एक्सरसाइज यू गोना डू इज पुशअप्स एंड अ लेग रेज। थर्ड एक्सरसाइज इज अ कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइज, वी विल डू जंपिंग जैक्स एंड प्लैंक टैप्स। फोर्थ एक्सरसाइज इज फॉर द कोर, सो वी विल बी डूइंग क्रंचेस। 45 सेकेंड्स ऑफ वर्क, 15 seconds of break. Every round, once you complete a round, you do 30 seconds of break. Total, 4 rounds, approximately 18 to 19 minutes of workout. So now I'll explain the structure of the exercise. First, we're going to do a mobility, then a main workout, and then cool down. So in mobility, we'll do 3 exercises, 20 seconds each. In main workout, we'll do squats, lunge back, alternate. Second exercise is push-ups and leg raise. Third exercise is jacks and plank taps. Fourth exercise is crunches. Every exercise is 45 seconds of work, 15 seconds of break. In the end of the round, we do 30 seconds break. Aur har ek round jo hai wo 4 baar repeat hamare ko karna hai. In the end, we'll do a little bit of cool down and stretch, and that's it. The total workout will be approximately 20 minutes, and you can plan your breaks accordingly. So, sabse pehle we'll start with mobility. Mobility mein hamari 3 exercises hai जो कि आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेंगी, वार्म अप करेंगी और प्रिपेयर करेंगी मेन वर्कआउट के लिए। 3 एक्सरसाइजेज में से फर्स्ट वन है डाउनवर्ड डॉग एंड कोबरा। उसके अंदर यू गो इनटू अ प्लैंक पोजीशन, यू लिफ्ट योर हिप अप टू द सीलिंग एंड ड्रॉप योर हील्स डाउन टू द फ्लोर। यू स्ट्रेच इट देयर एंड देन यू गो इनटू कोबरा, जब आप अपने थाइस को जो है फ्लोर की तरफ लेके जाओगे और ऊपर देखोगे। सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसके अंदर है, इट्स कॉल्ड वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेच है, you go into plank position again, you bring your right foot close to your right hand and then rotate your right hand to the ceiling looking up, and then you go back into the starting position which is plank position. Third exercise jo hai uske andar wo hai hip rotations. Hip rotations mein either you can bend your knee and rotate from your legs or you can go straight legs ke sath mein bhi aap rotations kar sakte ho. This movement will help you warm up your hip flexors. Iske baad mein जब ये तीनों एक्सरसाइज के बाद में, तीनों मोबिलिटी एक्सरसाइज के बाद में हमारा मेन वर्कआउट शुरू हो जाता है, और मेन वर्कआउट के अंदर हम 45 सेकंड्स वर्कआउट करते हैं, 15 सेकंड्स ब्रेक लेते हैं। विल डू 4 एक्सरसाइजेस इन दिस वन, एंड 4 एक्सरसाइज के हम 4 राउंड करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज वी गोना डू इज स्क्वाट एंड लंज बैक। स्क्वाट्स के लिए आपके फीट जो हैं वो स्लाइटली शोल्डर से बाहर होने चाहिए, एंड व्हेन यू डू अ स्क्वाट एब्स ब्रेस करके आप हिप पीछे पुश कीजिए जैसे कि आप चेयर के ऊपर बैठ रहे हैं। स्क्वाट करनी है, खड़े होना है, उसके बाद में लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाके लंज करना है। लंज में आप पीछे स्टेप करेंगे एंड टेक योर लेफ्ट नी डाउन टू द फ्लोर, सेम थिंग ऑन दी अदर लेग। दैट्स योर फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज यू गोना डू इज पुशअप एंड लेग रेज। सो दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर अपर बॉडी प्लस ग्लूट्स, सो इट्स इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज। फर्स्ट थिंग यू गोना डू इज आपके हाथ जो है वो चेस्ट से थोड़े से बाहर होने चाहिए, चेस्ट सेंटर में होने चाहिए। यू ड्रॉप डाउन टू द फ्लोर and push up. After one push up, you raise your leg up in the air, squeezing your glutes. Alternate. So, ek push up, right leg, ek push up, then left leg. That is your second exercise. Third exercise, jo hai wo cardio exercise aur core ki combination hai. So, first thing we're gonna do is 4 jumping jacks. So, aap jump out karenge, jump in karenge 4 bar. 4 jumping jacks, and then you go on the floor in the plank position and you tap on the shoulders. 4 times, and then you do 4 jumping jacks again and tap on the shoulders again. Fourth exercise, चौथी exercise जो है वो है crunches. ये exercise abs के लिए बहुत अच्छी है। इसमें हम floor पे लेटेंगे, knees को bend करेंगे, heels को we'll bring close to the butt. Then we join our hands and try to push our hands between the knees. जितना हम उसको आगे push करेंगे उतना हमारे abs ज़्यादा engage होंगे,
वी गो अप एक्सहेल एंड देन वी कम बैक। तो अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर रहे हैं तो ये वाला वर्कआउट डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा टू गेट योर गुड स्टार्ट एंड टू कैरी योर फिटनेस जर्नी फॉरवर्ड। बट फॉर गुड फिटनेस द वर्कआउट्स आर द नॉट ओनली वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके साथ में अच्छा न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे न्यूट्रिशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ मसल ब्लेज का बिगनर प्रोटीन। आई टेक इट 2 scoops, वंस इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड वंस आफ्टर माई वर्कआउट, एंड इट रियली हेल्प्स मी इन गेटिंग बेटर इन माई फिटनेस। सो 1 scoop ऑफ मसल ब्लेज बिगनर प्रोटीन हैज़ 12 grams ऑफ प्रोटीन, इट हैज़ एसेंशियल इम्यूनो एसिड्स, एंड द बेस्ट थिंग इज इट हैज़ 0 sugar, एंड 1 scoop ऑफ प्रोटीन इज जस्ट 100 calories। आई वॉन्ट टू शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू। 2 महीने पहले मेरे को एक नी इंजरी हुई थी और वो नी इंजरी से रिकवर करने के लिए इस प्रोटीन ने मुझे बहुत हेल्प की। जितना टाइम लगना चाहिए था नी इंजरी से रिकवर करने के लिए, इस प्रोटीन ने उसको फास्ट ट्रैक कर दिया और उसकी वजह से मैं बहुत जल्दी रिकवर कर पाया और अभी मैं आज वर्कआउट भी कर पा रहा हूँ। तो अगर आपकी कोई भी इंजरी होती है तो ये वाला प्रोटीन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा।